अनंत प्रतीक्षा का प्रश्न है। प्रणाम। जब हम हैं तो जीवन से निरंतर जुड़े हैं, फिर क्या खोजने की बात सूत्र में है? कृपया दुविधा दूर करें। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र जो हमने पिछले सत्र में लिया, खोजने की बात कहाँ करता है? जैसे वो शाश्वत में प्रवेश की बात करता है कि आप इटर्नल, जो एवरलास्टिंग है, उसमें प्रवेश कर जाइए, तो वो जो है उसमें प्रवेश की एक तो बात कर रहा है, फिर मैं हूँ इस भाव में जुड़े रहिए, इसके साथ आप एकाकार होके चलिए। तो दुविधा तो कुछ है नहीं, सूत्र जो पिछली बार के हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, उसमें कोई भी चीज। अब जैसे हर्ष की बात थी पहले सूत्र में, तो वो कहता है हर्ष में लीन हो जाओ। दूसरा सूत्र जो पिछली बार लिया था, वो कहते हैं स्वाद और भोजन, भोजन और पेय उसका स्वाद बन जाओ, उससे आपूरित हो जाओ और अपने होने के बोध से भरो और शाश्वत में प्रवेश करो। ये तीन बातें थी तीनों सूत्रों में अलग अलग। तो अब इन तीन बातों में देखा जाए तो कोई भी चीज़ खोजने की बात नहीं करी जा रही। सूत्र किसी भी बात को खोजने के लिए नहीं कह रहे, वो खोजा हुआ तो है, खोजेंगे क्या, वो तो है हमेशा। जो हमेशा है उसको हम केवल उभारेंगे, उसके साथ हम फिर से यूनाइट होंगे, जुड़ेंगे, स्मरण से भरेंगे। इसीलिए पिछले सत्र के जो सूत्र थे विज्ञान भैरव तंत्र के, वो आत्म स्मरण के, सेल्फ रिमेम्बरिंग के ही सूत्र थे। जब भी ध्यान और अध्यात्म की कोई भी बात गहराई में कही जाएगी, वहां पर निश्चित ही कुछ खोजने का प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि जीवन अपनी उस व्यापकता और विराटता में हमेशा है, उसको हमें अनुभव कर लेना है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि जब हम हैं तो जीवन से निरंतर जुड़े हैं, हमारा होना ही जीवन का होना है, जुड़े होना भी कुछ ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पर कोई थ्रेड है, कनेक्टिंग पॉइंट है जहां से हम जुड़े हैं। नहीं, हम जुड़े भी नहीं हैं, जीवन ही है, एक ही फ्लो है। जैसे हमारे घर का आकाश, उदाहरण के लिए समझें बस केवल बात को, और हमारे घर के बाहर का आकाश, एम्प्टी स्पेस। हम खिड़की पर खड़े हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे घर का जो आकाश है वो बाहर के आकाश से जुड़ा है? वो एक ही है। हमारे दीवार बना देने से या खिड़की रख देने से वो अलग नहीं हो गया। तो जुड़ा हुआ होना भी एक भ्रामक शब्द है, इल्यूजरी वर्ड है। वास्तविकता यही है कि हमारा होना जीवन का होना है और जीवन का होना हमारा होना है, जुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं। और यही शाश्वतता है, यही इटर्नल है, एवरलास्टिंग है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दुविधा नहीं। Thank you.